इस क्वेश्चन में कहा गया है कि लेट एस सी एन आर बी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कैपिटल एल बी द सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस वेयर जेड इज एस प्लस वाई आई एंड जेड बार इज एस माइनस आई वाई. You have to find the correct choice. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है और मेरे को नहीं लगता किसी भी बुक में या वीडियो लेक्चर में इसका सॉल्यूशन क्लियर लैंग्वेज में दे रखा है. आप मेरा सॉल्यूशन देखिए, आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. इस क्वेश्चन को करने से पहले देखना होगा ये कि ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है. वेयर एस टी एंड आर नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर. इस क्वेश्चन को समझाने के लिए पहले मैं एग्जाम्पल से इसको समझाता हूं. क्वेश्चन समझ आ जाएगा उसके बाद ही सॉल्यूशन करना शुरू करेंगे. फॉर एग्जाम्पल एस पी आर को मैं से 2 प्लस सी आई इंटू जेड 1 माइनस सी आई इंटू जेड बार 5 माइनस 4 आई इक्वल टू 0 है. फिर एस ये है, टी ये है, आर ये है. अब ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? जेड क्या है? एस प्लस आई वाई, 2 प्लस सी आई इंटू एक्स प्लस आई वाई, 1 माइनस सी आई इंटू एक्स माइनस आई वाई प्लस 5 माइनस 4 आई इक्वल टू 0. अब लेफ्ट साइड में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो 0 के बराबर है. इसका श्योरली मतलब है कि लेफ्ट साइड में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट भी 0 है और इमेजिनरी पार्ट भी 0 है. ये क्लियर है, रियल पार्ट में जो इक्वेशन बनेगी वो एक लीनियर होगी. क्या होगी? 2x माइनस 3y प्लस x माइनस 3y प्लस 5 आई इंटू 3x प्लस 2y माइनस 3x माइनस 5 माइनस 4 इक्वल टू 0. अब ये पूरा यदि 0 के बराबर है मतलब कि ये वाला पार्ट भी 0 है और ये वाला पार्ट भी 0 है. जब दोनों को मैं 0 पुट कर दूंगा, हमको इसको सॉल्व करना है. सॉल्व करना है मतलब x और y की वैल्यू निकालनी है. जब मैं इसको भी 0 पुट कर दूंगा, इसको भी 0 पुट कर दूंगा, तो x और y में दो लीनियर इक्वेशंस आएंगी और उनको मैं जब सॉल्व करूंगा तो x और y की वैल्यू आ जाएगी. और डिपेंड करता है इन दोनों इक्वेशंस से पे कि इन दोनों को सॉल्व करने से नो सॉल्यूशन आता है, यूनिक सॉल्यूशन आता है या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आते हैं. तो
मतलब ये निकला इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ जेड या तो नो सॉल्यूशन होगा या यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, ये डिपेंड करता है एस टी और आर की वैल्यू पे। तो सेट एल में या तो एक एलिमेंट होगा या नो एलिमेंट होगा, कोई भी एलिमेंट नहीं होगा या इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे सेट एल में। अब हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑफ द फॉर्म ए जेड बार प्लस ए बार जेड। ये होती है इक्वेशन ऑफ लाइन इन कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर ए इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड बी इज रियल। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लाइन। और इस लाइन का कॉम्प्लेक्स स्लोप जो है माइनस ए अपॉन ए बार होता है। हो सकता है कुछ बच्चों को कॉम्प्लेक्स स्लोप का मीनिंग ही क्लियर ना हो। इस टाइम वो सब कुछ तो बताना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि इस टाइम मैं थ्योरी नहीं पढ़ा रहा, मैं केवल पिछले सालों के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखा रहा हूं। लेकिन शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं कि यदि कोई लाइन है, सपोज एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है, स्लोप एंड कॉम्प्लेक्स स्लोप आर नॉट सेम थिंग। हाँ, सिमिलर बोल सकते हो लेकिन सेम नहीं। यदि कोई लाइन थीटा एंगल बना रही है तो इसका कॉम्प्लेक्स इसका स्लोप होता है टेन थीटा, हम जानते हैं, लेकिन इसका कॉम्प्लेक्स स्लोप क्या होगा, कॉस टू थीटा प्लस आई साइन टू थीटा। नहीं पता तो याद रख लो। जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनके कॉम्प्लेक्स स्लोप बराबर होते हैं, जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके कॉम्प्लेक्स स्लोप का सम जीरो होता है। प्रोडक्ट माइनस वन नहीं बोल रहा मैं, वो स्लोप में होता है प्रोडक्ट माइनस वन। जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके कॉम्प्लेक्स स्लोप का सम जीरो होता है। अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूं। अब दिक्कत यह है कि यदि मैं एस को ए प्लस बी आई, टी को सी प्लस डी आई, आर को अल्फा प्लस बीटा आई, जेड को एफ प्लस वाई आई मान के अब इसको ओपन करता हूं, जो कि बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, वैसा तो हम कर नहीं पाएंगे। जब एस टी और आर की मैंने शुरू में वैल्यू ले ली थी तब तो मैंने इजीली मल्टीप्लाई कर लिया था, लेकिन एस टी आर कोई जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे तो यदि मैं एस को ए प्लस बी आई, टी को सी प्लस डी आई, आर को अल्फा प्लस बीटा आई, जेड को एक्स प्लस वाई आई
मान के फिर इसको ओपन करते हैं, फिर रियल पार्ट को जीरो पुट करते हैं, इमेजिनरी पार्ट को जीरो पुट करते हैं, देयर इज टू मच लेंथी। तो मैं इसको कैसे करूंगा, ये ध्यान रखना, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट ए लाइन वेयर बी इज रियल। मेरे को चाहिए इसका रियल पार्ट इक्वल जीरो और इसका इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू जीरो। रियल पार्ट इक्वल जीरो से, जैसा कि मैंने एग्जांपल में किया था, सिंप्लीफाई किया था और रियल पार्ट को जीरो पुट कर दिया था, इमेजिनरी पार्ट को जीरो पुट कर दिया था और आई सॉल्व द टू इक्वेशंस। मैंने कहा था कि उन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लो। अब इसको मैं कैसे प्रोसीड करूं ताकि मेरे को इसका रियल पार्ट भी मिल जाए और इमेजिनरी पार्ट भी मिल जाए। आपको पता होगा जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट निकालना हो तो वो और उसके कंजुगेट को ऐड कर दो और टू से डिवाइड कर दो, आपको रियल पार्ट मिल जाएगा। इमेजिनरी पार्ट के लिए वो कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कंजुगेट को सब्ट्रैक्ट कर दो और उसके बाद उनके सम को 2i से डिवाइड कर दो तो आपको इमेजिनरी पार्ट मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई आई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको x माइनस वाई आई में एड करके 2 करेंगे तो रियल पार्ट आ जाएगा इसका, और इमेजिनरी पार्ट के लिए x प्लस वाई आई माइनस बाय 2i करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। ये दोनों बातें आप ध्यान रखो। अब मैं इसका रियल पार्ट को भी जीरो पुट करूंगा और उसके इमेजिनरी पार्ट को भी जीरो पुट करूंगा और वो दो इक्वेशंस आएंगी उनको फिर मैं सॉल्व करूंगा। वो जो दो इक्वेशंस आएंगी वो दो लाइनों की इक्वेशन होंगी, मैंने अभी अभी दिखाया था। तो रियल पार्ट इसका होगा एक्स जेड प्लस टी जेड बार प्लस आर प्लस एक्स जेड होल बार टी जेड बार प्लस आर बार by 2 is equal to 0, that is I get f plus t bar into z, t plus f bar into z bar plus r plus r bar equal to 0। ये clearly एक line की equation है, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि लाइन की इक्वेशन में z और z बार के कॉन्स्टेंट एक दूसरे के कंजुगेट होते हैं और कॉन्स्टेंट टर्म रियल होती है। कॉन्स्टेंट टर्म रियल क्लियरली हो गई क्योंकि r और r बार को ऐड करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट कट जाएगा। ये हो गई लाइन की इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर है z और z बार के कोएफिशिएंट एक दूसरे के कंजुगेट भी हैं और ये रियल भी है। अब सेकेंड पार्ट करेंगे। अब मैं इसका इमेजिनरी पार्ट निकालूंगा और उसको जीरो पुट करूंगा।
इस पार्ट को हम बाद में यूज करेंगे। ये एक लाइन की इक्वेशन हो गई रियल पार्ट को जीरो पुट करके। अब इमेजिनरी पार्ट ये आएगा एफ जेड प्लस टी जेड प्लस आर माइनस एफ फोर बार टी जेड बार बार प्लस आर बार अपॉन टू आई इक्वल टू जीरो। ये है इमेजिनरी पार्ट, इसको मैंने जीरो पुट कर दिया। दिस इंप्लाइज दैट एफ माइनस टी बार इंटू जेड प्लस टी माइनस एफ बार इंटू जेड बार प्लस आर माइनस आर बार इक्वल टू जीरो। ये हो गई इमेजिनरी पार्ट इक्वल जीरो पुट करने से जो लाइन है इक्वेशन है। कई बच्चे बोल सकते हैं कि ये तो लाइन की इक्वेशन ही नहीं है क्योंकि ये तो प्योरली इमेजिनरी है, क्योंकि आर माइनस आर बार विल बी प्योरली इमेजिनरी। और ये भी और दूसरा ये कोएफिशिएंट एक दूसरे के कंजुगेट नहीं है, इसका कंजुगेट आएगा एस बार माइनस टी, जबकि यहां है टी माइनस एस बार। जेड और जेड बार के कोएफिशिएंट एक दूसरे के कंजुगेट भी नहीं है, लेकिन मैं बोलूंगा ये लाइन की इक्वेशन है केवल स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। मैं कैसे पता लगाऊंगा कि ये लाइन की इक्वेशन है कि नहीं है? प्रॉपर वे ऑफ चेकिंग ये है कि इसको रियल बना लो, इसको रियल बनाने के बाद भी जेड और जेड बार के कोएफिशिएंट एक दूसरे के कंजुगेट नहीं बनते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये लाइन की इक्वेशन नहीं है। इस कॉन्स्टेंट टर्म को रियल बनाने के लिए देयर आर सो मेनी वेज, मैं कॉन्स्टेंट टर्म से डिवाइड ही कर दूं तो यहां पे वन आ जाएगा और वो रियल हो गया। उसके बाद मैं जेड और जेड बार के कोएफिशिएंट को देख लूंगा कि एक दूसरे के कंजुगेट हैं या नहीं है, लेकिन डिवाइड कर पे जो इक्वेशन बनेगी वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। मेन हमारा टारगेट तो है कि इसको रियल बनाना, ये हमने देख ही लिया है कि ये प्योरली इमेजिनरी है। मैं पूरी इक्वेशन को आई से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये केवल मैं आपको शो कर रहा हूं कि ये लाइन की इक्वेशन है, अदरवाइज मैं पहले से जानता था, क्योंकि रियल पार्ट को मैंने जब जीरो पुट किया था इमेजिनरी पार्ट को जीरो पुट किया था तो लीनियर इक्वेशन तो आनी ही थी। फिर भी आगे देखिए, अब आई से मल्टीप्लाई करता हूं तो आई गेट आई इंटू एफ माइनस टी बार प्लस जेड आई इंटू टी माइनस एफ बार इंटू जेड बार प्लस आई इंटू आर माइनस आर बार इक्वल टू जीरो। अब देखो कि ये और ये एक दूसरे के कंजुगेट हैं या नहीं है। लेट अस फाइंड द कंजुगेट ऑफ दिस आई इंटू एफ माइनस टी बार बार दैट इज माइनस आई इंटू एफ बार माइनस टी दैट इज
इक्वल टू आई इंटू टी माइनस एस बार। क्लियर है, इसका कंजुगेट इसके बराबर आ रहा है, इसलिए ये इक्वेशन एक लाइन की इक्वेशन है। अब एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई। अब आप देखिए कि मेरे को क्या चेक करना था। L has exactly one element if mod f is not equal to mod t. Clear है, L is the set of solution of these two equations. ये दोनों लाइनें जहां पे कट करेगी वो अलग पॉइंट गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन बन जाएगा। आप याद करो शुरू में मैंने एग्जांपल लेके जो किया था उसको दिमाग में रखो। यदि आपने शुरू वाले एग्जांपल को ध्यान से नहीं देखा तो पहले उसको देख लो, फिर आपको ये समझ आएगा। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब ये दोनों लाइन एक पॉइंट पे कट करेंगी तो सेट L में एक एलिमेंट आएगा, और एक पॉइंट पे कट तब करेंगी यदि ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन नहीं है। इसका स्लोप हो गया आप याद करो मैंने अभी अभी बताया था कॉम्प्लेक्स स्लोप ऑफ द लाइन ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस बी इक्वल टू जीरो इज माइनस ए अपॉन ए बार, मतलब कि माइनस कॉफिशियंट ऑफ जेड बार अपॉन कॉफिशियंट ऑफ जेड बिकम्स द कॉम्प्लेक्स स्लोप ऑफ दिस लाइन। स्लोप बिकम्स माइनस टी प्लस एस बार अपॉन एस प्लस टी बार, कॉफिशियंट ऑफ जेड बार अपॉन कॉफिशियंट ऑफ जेड। ये हो गया कॉम्प्लेक्स स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन। कॉम्प्लेक्स स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन इज माइनस आई इंटू टी माइनस एस अपॉन आई इंटू एस माइनस टी बार, तो यूनिक सोल्यूशन आएगा। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो लाइन पैरेलल या को इंसिडेंट हो जाएंगी। मैं दोनों को पहले इक्वेट करता हूं, सपोज मैं इक्वेट करता हूं तो क्या आएगा, माइनस टी प्लस एस बार अपॉन एस प्लस टी बार माइनस टी माइनस एस बार एस माइनस टी बार, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, आएगा हमको मेरे को टी प्लस एस बार इंटू एस माइनस टी बार टी माइनस एस बार एस प्लस टी बार। दिस इंप्लाइज दैट आई गेट टी एस प्लस एस एस बार माइनस टी टी बार माइनस एस बार टी बार टी एस माइनस एस एस बार प्लस टी टी बार
माइनस एस बार टी बार। क्लियर है, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, आई गेट टू एस एस बार इक्वल टू टू टी टी बार, दैट इज मॉड ऑफ एस स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ टी स्क्वायर, दैट इज मॉड ऑफ एस इक्वल टू मॉड ऑफ टी। मतलब कि मॉड ऑफ एस यदि मॉड ऑफ टी के बराबर होंगे तो लाइन जो है वो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइंस हो जाएंगी, और पैरेलल लाइंस में या तो नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इसका मतलब हो गया कि यदि ये बराबर नहीं होंगे तो लाइंस ये और ये पैरेलल लाइंस नहीं होंगी, और पैरेलल लाइंस नहीं होंगी तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा, जो कि कहा गया था फर्स्ट चॉइस में L has exactly one element if mod of S is not equal to mod of T. सेकेंड में बोला है mod of S is equal to mod of T, then L has infinitely many elements. ये गलत है, क्योंकि mod of S mod of T के बराबर हो गया तो या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने हैं या नो सॉल्यूशन होना है, इसलिए ये चॉइस तो गलत होगी। सी चॉइस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन एल इंटरसेक्शन दिस इज एट द मोस्ट टू। क्लियर है, एल के अंदर या तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे या नो सॉल्यूशन कोई एलिमेंट नहीं होगा या एक एलिमेंट होगा। तो यदि L में कोई एलिमेंट नहीं है तो इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट विल बिकम जीरो। L में एक एलिमेंट होगा तो भी ज्यादा से ज्यादा एक एलिमेंट हो पाएगा, वो भी तब यदि वो वाला एलिमेंट इसको बिलोंग कर रहा होगा, और वो एलिमेंट इसको बिलोंग तब करेगा यदि L में एक एलिमेंट का मतलब दोनों लाइन कट कर, और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये एक सर्कल है, इस सर्कल की बाउंड्री वाले सारे पॉइंट इसको सेटिस्फाई करते हैं। यदि सर्कल इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से होके जा रहा होगा तो उस केस में दोनों में केवल एक एलिमेंट कॉमन हो पाएगा, और यदि ये वाला पॉइंट इस सर्कल पे लाई नहीं करेगा तो फिर इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। लास्ट केस जब सेट L में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, सेट L में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट तब होंगे जब ये लाइन और ये लाइन को इंसिडेंट हो जाएगी, मतलब कि दोनों लाइनें को इंसिडेंट का मतलब एक के ऊपर एक लाइन हो गई। अब एक के ऊपर एक लाइन हो गई तो सेट L में ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे, सेट इस सेट में ये वाले एलिमेंट आ जाएंगे। लाइन या तो इसको दो पॉइंट पे कट करेगी या एक पॉइंट पे कट करेगी या बाहर से होके जाएगी। तो क्लियर है, तो इन दोनों में ज्यादा से ज्यादा
दो एलिमेंट कॉमन होंगे, दिस चॉइस बिकम्स द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट है, इफ एल हैज मोर देन वन एलिमेंट देन सेट एल हैज इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट। दो लाइन्स या तो एक पॉइंट पे कट करती हैं या फिर को इंसिडेंट होती हैं या पैरेलल होती हैं। जब उसने बोल दिया है कि हैज मोर देन वन एलिमेंट इन कॉमन, दो लाइनों में एक से ज्यादा पॉइंट कॉमन होने का मतलब है कि दोनों लाइन्स को इंसिडेंट है, और यदि दोनों लाइन्स को इंसिडेंट हो गई तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली बिकम्स ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस टू लाइन। तो उस केस में एल हैज मोर देन वन एलिमेंट देन एल हैज इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट इज करेक्ट चॉइस।